तुम्हारा का सफेद पैर देखा है, देख लो। ये क्या, बहुत ही इतरा रही है। मेरी कंडीशन तो तुम जानते हो ना, मुझे छूने के लिए 500 रुपए, पकड़ने के बाद हाथ नहीं छुड़ाया तो और 500। यहाँ सारे काम रूल्स के मुताबिक होते हैं। ओके ओके ओके, इसे बाहों में भरने के बजाय कहीं जाके डूब मरे। ए, मुझे नजदीक से मत देखना, गंदी हरकतें भी मत करना। ओके, गाड़ी ले जाने के लिए कितनी कंडीशन थोप रही है, मैं इसे मार दूंगा। कमिश्नर सॉरी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। भरने के 500 रुपए और रेप करने पर उसके लिए 7 साल की जेल। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से गाड़ी उठा पाएगा। डार्लिंग, 500 रुपए कहाँ है? में है। चलो 500 तो बन गए। चल अब हाथ हटा। मैं नहीं हटाऊंगा। अरे हटाऊंगा क्यों रे? क्योंकि मेरे पास 500 रुपए ही थे। तो क्या कह रहा है? तेरी तो, छोड़ मुझे। नहीं। छोड़ मुझे कहा ना, अबे छोड़ मुझे। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कमीने, छोड़। मैं उधारी नहीं रखना चाहता। अरे घूम रहा है। अरे वहाँ चाबी है। ए, अगर नहीं छोड़ा ना तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। हाँ, तुम पुलिस स्टेशन ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे छोड़ ना। सुन बिजली, तुम्हारे अकाउंट में 2000 रुपए डाल दूंगा, इसकी कहानी खत्म कर दे। छोड़ मुझे। ए जूनियर, तुझे जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत मिली है, दिल खोल के ऐश कर ले। ऑल द बेस्ट जूनियर। चाबी में से भी खुशबू आ रही है। अरे सुन रहे झुमरी तलैया, उस्ताद गैजेट, गाड़ी स्टार्ट कर ले। ओके उस्ताद। ये क्या गाड़ी में बिस्तर लगा रखा है? चल जल्दी गाड़ी निकाल। सीनियर, ये गाड़ी तो होटल के रूम की तरह। रास्ते में एक लड़की चढ़ा ले। अरे रुक जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हो गया यार? अरे ब्लेड से काट दिया यार। कितनी बढ़िया खुशखबरी है, हम चलते हैं टाटा। सीनियर, अगले ऑपरेशन मुझे छोड़ के जा रहे हो। अपना 2 लाख का कर्जा उतारने वाला हूँ मैं। इस गाड़ी को चोर बाजार में बेचकर 5 गुना प्रॉफिट मिलेगा। अपना ध्यान पूरा बिजनेस पे रहना चाहिए। सीनियर, जरा वहाँ देखो, बिल्कुल स्वर्ग लोक की अप्सराएं। अब तो हमारे रास्ते में ऐसी अप्सराएं आती रहेंगी भैया। अरे रोको रोको, रोकने के लिए बोल दिया। हेलो लिफ्ट। अरे रोको, हमें लिफ्ट मिलेगी क्या? सीनियर, जरा उसकी कमर तो देखो। आज तक कितने सारे हाईवे पर घूमा, पर किसी भी हाईवे पर मैंने ऐसा चलवा नहीं देखा। क्या तराशा है यार। सीनियर, लड़की बहुत सुंदर है, जब उसे छुएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। निकले थे चंदन की लकड़ी खरीदने, हाथ लग गया खरा सोना। सीनियर, 1 मिनट की भी देरी किए बिना इसे अंदर बिठा लो, मिल के मजा करेंगे। आज का दिन कितना शुभ है, 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में। आजा अंदर आजा। बाबा, एक पार्टी मिल गई है। है? ये क्या पूरी, बाबा बन के कोई आ रहा है ना भैया? ऐसी लड़कियों के साथ रखवाली के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। अरे धंधे का असूल जो होता है, तुम चिंता मत करो जूनियर, बाबा को दारू पिलाकर हम लंबा कर देंगे। आओ बाबा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैठो। ये सारे लाला के नौकर हैं। ये प्रेत की तरह क्यों देख रहा है मैं? आ जाओ आ जाओ, बैठो। तुम्हारे यहाँ बैठते ही। अरे बाप रे, पुलिस वाले कहाँ से आ गए? ये अचानक पुलिस वाले कैसे आ गए? 2 लाख रुपए चले गए। कैसे हो गया मेरे साथ? अरे हमारे पैसे चले गए, ये सोच सोच के हम हैरान हैं, और तुम दोनों यहाँ पर क्यों? तुमने रेड्डी को देखा? हाँ देखा ना। उन्हें पैसे देते ही सीटी की आवाज आई थी। हाँ आई थी। पुलिस आ गई, भागो भागो ऐसा बोला था। हाँ बोला था। ये क्या माया, जादुई शीशे में जैसे तुम सब कुछ देख लियो वैसा बोल रही हो, तुमने कैसे जाना? ये वो रेड्डी पूरे 10 साल से करता आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं तो गाड़ी घुमाओ, अभी वो पैसों का बंटवारा कर रहा है। तेरी लवर है, इसके लवर है, मेरी लवर है, ये बाद में देखेंगे। पहले उसे अंदर भेजते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। माया,
इस घर में आज तक किसी कन्या ने कदम नहीं रखा, यहाँ आने वाली पहली सुंदर कन्या तुम ही हो। सुंदरता अपने साथ कयामत भी लेकर आती है, संभल के रहना। ओके, ये बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची छोड़ के जा रहा है। भैया माया को अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहिए, हम बाद में बात करेंगे। जूनियर, बोलो सीनियर। ये क्या रे? इस घर में कहीं से भी घुसो सीधा हॉल में ही पहुंच जाते हैं। सीनियर, ये घर बनाने वाले को जरूर कोई प्रेतात्मा चिपकी है। हाँ यार बॉस, इस घर में पूरे 10 रूम है और 8 एसी है, बहुत बड़ा घर है बॉस, चाहे कहीं भी जाओ लौट के इसी हॉल में पहुंचोगे। ये बताओ ये तुम कैसे जानते हो? इस घर में जब तुम लोग नहीं थे तो यहाँ घूम घूम कर हमने देख लिया था। खैर वो छोड़ो, माला वाला पहनकर पूजा करने आए हो, बात क्या है? इस घर में प्रेत है ये बाहर के लोगों ने बताया, और वो भी दबंग प्रेत आत्मा है। इसमें दबंग क्या, भूत तो भूत ही होता है ना। भूत से तुम्हें डर लगता है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन में बिस्किट ले जाकर भूतों को खिलाता था। बॉस, सीनियर भूत को बियर भी पिलाता था, लेकिन मैंने भूतों को बिस्तर पर लिटाकर उनकी डिलीवरियां कराई है। आई एम अ डॉक्टर, डेविल डॉक्टर। तो तुम भूतों की डिलीवरी भी करवाते हो? या माया, तो फिर माथे पे ये तिलक क्यों? फैशन है, इस फैशन का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है इसलिए। भूत किसी और धर्म का हुआ तब तुम क्या करोगे? बाबा मखदूम शाह की दरगाह का ये ताबीज है ना, ये सबरीमलाई की विभूति है। नहीं नहीं, यहाँ देखो यहाँ देखो, चाहे कैसी भी आत्मा हो उसे काबू में कर लूंगा। अगर वो आत्मा तुम्हारे ऊपर चढ़ गई तो? उसके लिए भी रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? आत्मा हम पे चढ़े उससे पहले हम आत्मा पे चढ़ जाएंगे। सीनियर, माया को कुमकुम दो। ये लो, ये हनुमान मंदिर का है, इसे रख लो, भूत भाग जाएगा। सॉरी बॉस, एक मिनट। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे हथियार हैं तो भूत नहीं आ पाएंगे, वो सब साइड में रख दो। ओके बॉस। ओके बॉस। माया, हम लोग तो एक एक पैग मार के फ्रेश हो गए, हमारे लिए गाना गाओ ना माया। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब है पहरेदार। हाँ, सब है पहरेदार। मुझे गाना नहीं आता। अरे अरे, तो क्या हुआ, डांस तो कर सकते हो ना? मुझे डांस भी नहीं आता, तुम कहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहानी? विश्वामित्र की कहानी या काल्पनिक कहानी? अपनी खुद की कहानी। ओ, फ्लैशबैक कहानी। स्टार्ट कहानी। मीरा और विजय का जो मिलना है वो पिछले जन्म का कोई पुण्य है या अगले जन्म का कोई रहस्य है पता नहीं। बचपन से ही मुझे तीन चीजें बहुत पसंद थी, कच्चा आम खाना, बास्केटबॉल खेलना विजय के पीछे पढ़ पढ़ के उससे लव करना। जानती हो माया? कौन सी? गर्भवती औरतें ही कच्चा आम खाती हैं ऐसा मैंने सुना है। ये बात है विजय? चल हट। हमारे प्यार को दोनों घरों ने स्वीकार किया, लेकिन शक्ति ने इस बात को नहीं स्वीकार। हे विजय, नहीं, मेरी बात मान, रहने दे। संभल के।
ये क्या शक्ति? टक्कर क्यों मारी? ए, मेरे छोटे भाई में तुझे फूल दिखते हैं और मुझ में कांटे दिखते हैं। अब से वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी, समझ गई ना? बिना काली मिर्च के ही ये लेग पीस बहुत बढ़िया है। भैया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जा जा, मलाई जैसी लड़की के हाथ लगी, तेरा भाई दुश्मन हो गया है ना? उस दिन स्कूल से मैं बहुत डरे हुए घर पहुंची। कैसे? देख मेरे पास मत आना। शक्ति, नहीं। ऐसे चिल्लाना बंद कर। अपने लाल लाल होठों से इसी समय मुझे चुम्मा दे दे। जल्दी दे मुझे चुम्मा। शक्ति प्लीज। जब मुझे इसे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन तेरी इस जवानी का पहला रस मैं चखना चाहता हूँ। छोड़ उसे, दूर हट, बाहर निकल, बेटी तेरा। मारो इसे, इतनी बड़ी गलती करके चुपचाप बैठा है, मार डालो इसे। ऐसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा है, मार डालो। मेरी कोख से जन्म लेकर कैसे लाश की तरह बैठा हुआ है ये, इसी कोख से उसने भी तो जन्म लिया। ऐसा घिनौना काम करने का तुझे सूझा कैसे? अरे माया हमारे घर के होने वाली बहू है, मार के निकालो इसे यहाँ से। उसे माफी मांग, जाके माफी मांग। चाहता क्यों नहीं? बस बस कीजिए, रहने दीजिए। मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, इसको पिटते हुए मुझसे नहीं देखा जा रहा है, छोड़ दीजिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये औलाद है? अरे औलाद ऐसी होती है? जा, जाके माफी मांग। तुझे पैदा करने से तो किसी कुत्ते को रख लेते, जानवर कहीं का। घूर मत मुझे, ये बाप तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब खड़ा होकर देख क्या रहा है, चल निकल निकल। क्यूरी, मेरे घर वालों की नजरों में मुझे गिराकर बाहर निकलवा रही है। मेरी आंखों से भले ही ये दुनिया उछल हो जाए, तेरा शरीर नहीं होगा। आऊंगा, फिर से आऊंगा मैं। अब जा, भाग जा यहाँ से, अब यहाँ पे कदम मत रखना, भाग जा। कमीने, कहीं जाके मर जा। बाहर निकालो इसे। भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने जो किया वो एकदम गलत है।
और विजय की जब शादी होने वाली थी तभी गोत्रा ठाकुर ने हमें मारकर दफना दिया।